नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। प्रथमाचार्य श्री सद्गुरु धर्मचंद देव जी की 53वीं पुण्यतिथि पर भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश बलिया जिले श्री जमुनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय चितबड़ागांव गांव में प्रथमाचार्य श्री सद्गुरु धर्मचंद देव जी की 53वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर 1100 कुंडली विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का भव्य आयोजन दिया गया है। 12/13 जुलाई तारीख को सद्गुरु सदाफल देव महाराज जी भव्य तरीके से होगा। अजय राय आयोजक वकील राम उषा राय ने मीडिया से बातचीत बोले कि यह कार्यक्रम अद्भुत तरीके से होगा। एक शुभ परिचय बता दीजिए। मेरा नाम वकील राम है और मैं वित्त विभाग से सेवानिवृत्त हूँ, कोषाधिकारी के पद से। आज चितबड़ागांव में कॉलेज के बगल में कैसा तैयारी चल रही है? ये तैयारी प्रतिवर्ष जनपद में कहीं ना कहीं होती है और मैं आपको अवगत करा दूं कि ये सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के उत्तराधिकारी पुत्र श्री धर्मचंद देव जी महाराज और ये विहंगम योग के ज्ञान के ये प्रथम परंपरा सद्गुरु थे और इनका जन्म कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि महाशिवरात्रि को 1919 ईस्वी में हुआ और आगे चलकर ये 1954 में सदगुरु पद पर आसीन हुए और 15 वर्षों तक यह विहंगम योग के सदगुरु पद पर कार्य किए और अंत में आषाढ़ सुदी चतुर्दशी 1969 ईस्वी को अपने भौतिक शरीर का त्याग किए। कुल मिलाकर 15 वर्षों तक इन्होंने विहंगम योग के सदगुरु पद पर कार्य किए। जी, उन्हीं के पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। जी, और यह अपने जनपद में विशेष तौर से ये बलिया जनपद में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान से पर इसका कार्यक्रम होता है और ये कोरोना काल के वजह से 2-3 साल तक यह कार्यक्रम बंद रहा, लेकिन कोरोना के बाद 2022 में यह पहला कार्यक्रम हो रहा है अपने जनपद में यह विहंगम योग समागम के रूप में। मैं श्रीमती उषा राय, मैं इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग बलिया संत समाज के संयोजक श्री अजय कुमार राय की मैं धर्मपत्नी हूँ। मैं इस बलिया संत समाज की महिला प्रभारी भी हूँ। मैं इस बलिया क्षेत्र में इस सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार करती रहती हूँ। आज ये जो कार्यक्रम चितबड़ागांव में स्थापित है, ये हर साल होता है क्या? जी, ये कार्यक्रम हर साल होता है। ये आषाढ़ के चतुर्दशी और गुरु पूर्णिमा पर ये कार्यक्रम हर साल होता है। ये सिर्फ जनपद बलिया में होते हैं या अन्य जनपद में भी होता है? नहीं, ये जो पुण्यतिथि है, जो अभी हमारे प्रथमाचार्य सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये केवल बलिया में ही होती है और हम सभी संत समाज के सहयोग से कार्यक्रम चलता है। हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल तपस्या करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए, अनुभूति किए और उन्होंने एक उद्घोष, एक संदेश दिया पूरी मानव जाति के लिए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, असुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ये जो हम लोग, ये जो मानव जाति है, हमारे लिए ये जनमानस के लिए, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान होता है और ये हमारे सदगुरु ने इसको, इस ज्ञान को अपनी साधना से, तपस्या से, 17 साल की कठोर तपस्या करके प्राप्त किया और अपने उत्तराधिकारी महात्मा सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी को
इस पद से सुशोभित किया। वो सद्गुरु पद पर बैठे, 15 साल इस सद्गुरु पद पर रहे और उन्होंने जो स्वरवेद का भाष्य किया, वैसा स्वरवेद, वैसा ग्रंथ इस पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हम जैसे, हम एक हाउसवाइफ हैं, एक साधारण महिला, एक साधारण जीव भी इस ग्रंथ को पढ़ के, साधना करके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। उस स्वरवेद से आज हम लोग पूरे इस विश्व के 50 देशों में आज स्वरवेद चला गया है। स्वरवेद का जो शब्द है, उस शब्द से प्रकाश निकल रहा है और पूरे विश्व के लोग इस प्रकाश में प्रकाशित हैं। तो आज हमारे बलिया के लिए भाग्य की बात है कि जो भी क्षेत्र अंधेरा में है, हमारे कहते हैं संत प्रवर विज्ञान देव महाराज कि दीप वहाँ जलाएं जहाँ आज भी अंधेरा है। तो उस अंधेरे को हम संत समाज मिल करके दूर करना चाहते हैं, दूर कर रहे हैं और उसमें सद्गुरु की शक्ति कार्य कर रही है। सद्गुरु के हम एक सिपाही हैं, संदेशी हैं और सद्गुरु के शक्ति के साथ हम लोग इस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही सद्गुरु का संदेश भी है कि ये ज्ञान पूरे जनमानस तक पहुँचे, पूरे विश्व में पहुँचे और हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय। मैं अजय कुमार राय बलिया संत समाज का संयोजक हूँ जी। आज के बड़ा गांव में कैसा कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी चल रही है? विहंगम योग संस्थान के सबल स्तंभ प्रथम परंपरा गुरु प्रथमाचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी यहाँ जमुनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही है। सारे लोग बलिया संत समाज के अलावा और भी गाजीपुर संत समाज और गोरखपुर संत समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और भव्य रूप से तैयारी हो रही है। 53वीं पुण्यतिथि धर्मचंद देव जी महाराज की है और सबसे खास बात है कि ये 53वीं पुण्यतिथि क्यों मनती है, ये इसी का संदेश हम देने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। एक ऐसे संत जिनको महात्मा के रूप में जो प्रतिष्ठित थे, उन्हीं की ये 53वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि उनकी मनती है जो किसी विशेष कार्य के लिए ईश्वर द्वारा इस धरा पे अवतरित होते हैं और अपनी शरीर का त्याग करते हैं। न कि इनका शरीर खत्म होता है, मरते नहीं हैं, बल्कि योग मुद्रा में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, इसीलिए वो महान हैं। और इस महान सत्ता की हम विहंगम योग संत समाज के शिष्य संत समाज ये उनकी पुण्यतिथि मनाता है जी। जी उनकी क्या, उनके विषय में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और बताएं, क्या है उनकी खूबियाँ थी, क्या था? सबसे बड़ी खूबी है कि विश्व की सर्वोत्तम अध्यात्म की धरोहर के रूप में एक अद्वितीय पुस्तक हमारे स्वामी जी यानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद की रचना की थी, वो जो एक अध्यात्म की दुनिया की सर्वोत्तम सदग्रंथ है। और वो मरते समय यानी अपने शरीर का त्याग करते समय उनके पहले उन्होंने अपने धर्मचंद जी महाराज को निर्देश दिया था कि इस ये ऐसी पुस्तक इस दुनिया में ना कभी थी या ना कभी होगी, इसलिए इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए यानी भाष्य कर दिया जाए ताकि और ग्रंथों की तरह इसके इसका गलत उपयोग न हो, गलत अर्थ न लगे। इसीलिए आप ही में वो शक्ति है, ये इस ज्ञान को, इस शक्ति को आप जानते हैं या मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा ही इसकी भाष्य हो जाना चाहिए। और उन्होंने जो भाष्य किया ये अद्वितीय है, भाष्य है, अप्रतिम भाष्य है जिसके द्वारा पूरे मानवता का कल्याण होता है। और तो ये जो कार्यक्रम की तैयारी कितने दिनों से चल रही है? ये लगभग 10 दिनों से तैयारी हो रही है यहाँ पे फील्ड में। उसके पहले लगभग 1 महीना से हम लोग लगे थे इस कार्यक्रम का जगह का चयन करने में, लगभग पूरे ज़िले में महीनों दिन लगे, लेकिन जब तैयारी जब फाइनल हो गया तो हमारे इस जमुनाराम के प्रबंधक डॉक्टर धर्मात्मानंद के सहयोग से ये स्थल उपलब्ध हुआ और उनके अथक प्रयास से और पूर्ण
एक कहिए कि पूर्ण समर्थन के साथ उन्होंने इसको करने के लिए अनुमति दिया और लगे, और जितनी भी कमियां थी फील्ड को बनाने में हजारों टाली मिट्टी से लेकर और चारों तरफ बाउंड्री सब कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया। यहां तक कि हम लोग जब कुछ नहीं था तो अपने कॉलेज का पूरा अनुमति दिया, उपयोग हम लोग किए, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसी के परिणाम स्वरूप ये 53वीं पुण्यतिथि हम लोग यहाँ मनाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं और भव्य रूप से इसका आयोजन हो रहा है। भंडारा 2 दिन चलेगा, 12 तारीख से और 12 से 13 तक 2 दिन का मुख्य रूप से कार्यक्रम है। 12 तारीख को शाम को दिव्यवाणी हमारे सद्गुरु भविष्य के सद्गुरु यानी सद्गुरु के उत्तराधिकारी श्री विज्ञान देव जी महाराज की दिव्यवाणी स्वरवेद कथा अमृत स्वरवेद कथा का कथा की गंगा बहेगी, और 13 तारीख को प्रातः 9 बजे से विश्व शांति हेतु वैदिक हवन यज्ञ होगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।